लग जाए तो हम लोग कैसे फायर फाइटिंग कर पाएंगे। इससे पहले हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आग आग से बड़ी आपदा कोई आपदा नहीं हुआ, ये कभी भी थोड़ा लापरवाही हुआ चूक हुआ ये उत्पन्न हो जाती है। लापरवाही को हमको कम करना है, लापरवाही नहीं करना है। समझने की दृष्टि से आग है क्या, तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें तीन चीज आपस में मिलने से उत्पन्न होती है, जैसे टेम्परेचर, जलीय पदार्थ और ऑक्सीजन। ये तीन चीज आपस में मिलेंगे तभी जाके आग की उत्पत्ति होती है। और यही सिस्टम भी है कि एक चीज अगर हट जाए तो आग की उत्पत्ति नहीं होगी। जिस तरह से तीन चीज आपस में मिलने से उत्पन्न होती है, तीन ही तरीका से आपको हम डिस्पूज करते हैं, आपको खत्म करते हैं। स्मोल्डरिंग मेथड से खत्म करते हैं, कूलिंग मेथड से खत्म करते हैं, और क्या स्टारवेंशन की तरफ से उसको खत्म करते हैं। तो समझने की दृष्टि से ये कौन सा आग किसको करेंगे ये समझना जरूरी है। तो आग को हम चार भागों में बांटते हैं, उसको क्लास वाइज कर देते हैं। तो कुछ एक क्लास बी क्लास, घर से एक क्लास बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। तो आग को मैंने चार भागों में विभाजित कर दिया है। एक क्लास में हुआ आग आता जो पराया आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, वह पदार्थ जिसमें आसानी से आग लग जाती है उसको एक क्लास में रखते हैं। आप जैसे देखिए कागज में भी आसानी से आग लग जाती है, आपको खेत पकवान में भी आसानी से आग लग जाती है, कपड़ा में आसानी से आग लग जाती है, इसको हम एक क्लास में रखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिएगा, समझ रहे हैं। और डी क्लास में रखते हैं लिक्विड फायर को, यानी तेलीय पदार्थ को, पेट्रोल मोबिल डीजल इत्यादि में भी आग लगते हैं, आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक रखिए। सी क्लास में रखते हैं गैसीय, गैसीय आपको रखते हैं, और डी क्लास में रखते हैं मेटल संबंधित आग। तो आपके बैंक का संबंधित आग कौन सा आग है? इलेक्ट्रिक। तो जब तक आपके इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट नहीं होता तब तक हम इसको सी क्लास में रख देते हैं। और क्यों ही शॉर्ट सर्किट होता है, आपके मेन स्विच दरवाजे पर मेन स्विच है, वहाँ से करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। और करंट प्रवाहित होना बंद होता है तो स्वाभाविक है कि वो जनरल आग हो गया, उस पर हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैंक में है क्या कागजात संबंधित, सबसे ज्यादा कंप्यूटर संबंधित है। तो इस पर हम पानी का प्रयोग अगर करते हैं, इसको कूलिंग माध्यम से अगर फायर फाइटिंग को बुझाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका मॉनिटर नुकसान हो जाएगा, आपका कागज संबंधित नुकसान हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो जिस तरह से इसका नाम है फायर एस्टिंग्विशर, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र। देखिए इसमें एक क्लास बी क्लास और सी क्लास, यानी तीन क्लास तक के लिए ये प्रयुक्त है। और ये क्या है, CO2 है, ये CO2 है, यानी ऑक्सीजन संबंधित। डी इसलिए नहीं है कि वो धातु का आग होता है, वो मेटल संबंधित आग होता है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए कोई भी प्रारंभिक अवस्था में आग छोटी अवस्था होती है, लेकिन जब हम लापरवाही करते हैं तो क्या होता है, वह विकराल रूप ले लेता है। तो CO2 का प्रयोग हम आपके लिए बैंक कर्मचारी के लिए अति आवश्यक जानना जरूरी है, और खास करके CO2 ही आपके बैंक के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि मॉनिटर थोड़ा कीमती सामान होता है और इसको बचाव करना बेहद जरूरी है। अगर ABC अगर इसका उपयोग भी करेंगे तो इससे भी हम फायर फाइटिंग करके आग बुझा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आग तो बुझा लेंगे लेकिन आपका मॉनिटर क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा। अगर CO2 का उस पर प्रहार हम करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका मॉनिटर सुरक्षित रहेगा, जहाँ तक वो आग कवर कर रहा है वहाँ तक उसको क्षति पहुँचाएगा, उससे आगे उसको क्षति नहीं पहुँचाएगा। अगर ABC का हम प्रयोग करते हैं तो सर उसका क्या होगा, आगे भी इसका नुकसान। एक बार इसका प्रयोग करेंगे इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग क्या है, जितना हमको आवश्यकता होगा, मान लीजिए अभी शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ, इसका प्रयोग करेंगे वही उसको रोक आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, और ये भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए CO2 बेहद जरूरी है बैंक कर्मचारी के लिए जाने के लिए। बैंक भैया सुरख लिए नंबर लिख गया अकाउंट नंबर सर साहब घर से कौन है? हां फिर आइए देखिए, मान लीजिए आपको गेट पर है, लॉक रहता है, लॉक रहेगा तो खुलेगा, इसको खोलना है। और ये छोटा वाला है ठीक है, इसको जहां पे फायर हुआ है वहां पे घुमा देंगे,
चीज होता है जिसको पकड़ के हम फायर नहीं कर सकते, उसको अगर पकड़ के करेंगे तो आग बुझ जाए, लेकिन आग बुझाने के बाद हो सकता है कि आपका हाथ चाहे पूरा गल जाए, ठंडा इतना कर देगा कि ठंडा से गला होगा, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं होगा। पहले इसको पोजीशन पर लाएंगे, हर पॉइंट पर लाएंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे। लेकिन ये क्या, ये कितना ठंडा होगा, अगर हम इसको पकड़ के स्पाइडर घुमा देंगे जहां तार लगा हुआ है, डायरेक्ट हमारा कर देगा मॉनिटर, नुकसान उसके बाद उसे देगा। अच्छा कागज पर इसको हम इसमें सीओ2 का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। दिया पब्लिक तो कौन में पड़ो, कौन का दे दिखा दीजिए, सभी आदमी को कैसे ले, सभी आदमी से ले लीजिए, मैम को दीजिए, एक मिनट करो मैम, उधर देखिए सर, ये देखिए ऐसे का टुकड़ बन गया है।